आपको दिखाने लगा हूँ जो मैं पैंट शर्ट लेके आया ना कल, जो मैंने शॉपिंग शॉपिंग की है। ये देख सकते हैं, एक शॉपर ये है, एक ये है, ठंडन है। ये देख सकते हैं जी आप, सारे के सारे जो है ना जी, मैंने निकाल के बाहर रख ली है। तो ख्याल में इन सब की कीमत क्या होगी, अंदाजा गैस कीजिएगा। अच्छा टोलू भाई यार, एक बात तो बता, जो मोलू है उसके कातिल का क्या किया जाए, उसको माफ ना कर दिया जाए? नहीं नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका, वेलकम खुशामदी जी आन मेरे चैनल पर। और आज के नए व्लॉग में आप लोग मेरा जोशो खरोज देख के कुछ सोच रहे होंगे, तो जी जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अल्लाह के कर्मों फजल से और आपकी दुआओं के साथ आपका भाई एकदम से तंदुरुस्त हो गया है। बड़ा शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, और जिन लोगों ने नहीं की उनका भी शुक्रिया यार। कोई बात नहीं, वो मेरा व्लॉग तो देखते है ना, दुआएं नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे दुआएं, अभी उन्हें मेरी आदत नहीं ना पड़ी। तो बाकी जी ये बातें शातें तो सारी होती रहेंगी, फटाफट से आप जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ठोक ठोक दे। सेहत वाला मसला तो यार ठीक हो गया, लेकिन अभी एक मसला रहता है, वो एक मसला ये है कि अभी तक हमारा जो फोन है ना वो कोई नहीं ठीक हुआ, वही मैं ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ गुजरांवाला में, और साथ में कुछ बाहर जाने के लिए शॉपिंग भी करनी है, वो भी करनी है। अभी जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ दाऊद के मोबाइल पर। मैंने सोचा कि यार व्लॉग की शुरुआत घर से कर लेते हैं, लेकिन जो मैं ये जो मोबाइल है जिसमें मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर, ये रहा दाऊद का आपको पता है, और ये मैं लेके साथ नहीं जा सकता। अभी मैं इसको घर ही वापस घर ही छोड़ के जाऊँगा और अपना मोबाइल सेट करवाऊँगा। अगर तो मेरा मोबाइल टाइम के साथ सेट हो गया तो फिर तो मैं आपको सारी शॉपिंग शॉपिंग दिखाऊंगा। अगर खुदा न खास्ता टाइम के साथ सेट ना हुआ, लेट सेट हुआ, तो फिर वापस आके आपको सारी शॉपिंग जो भी मैंने की होगी वो दिखाऊंगा। क्योंकि यार आप लोग अब मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए, और वो कौन सी फैमिली है, वो फैमिली है HBS यूट्यूब फैमिली। हाँ जी, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और HBS यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। 8 hours later. जी तो जिस बात का था डर वही बात हुई है, हमारा जो मोबाइल है ना जी पूरे टाइम पे कोई नहीं सेट हुआ, बिल्कुल लेट मिला है मुझे मोबाइल। बिल्कुल शॉपिंग शॉपिंग जब मैंने कारकुन ले लिया ना, वेला हो गया हूँ तो मुझे मोबाइल मिल गया। तो घर में आया हूँ, मैंने सोचा आपको चीज़ें चूज़ें दिखा देता हूँ, लेकिन घर आते सार ही जो मैं लेके आया हूँ अपने लिए, वाह शॉपिंग किया, ट्रोज शर्ट लिया है मैंने, तो लाइट चली गई है। इतना कोई एक से आपा हो तो फिर है ना भाई साहब, तो लाइट चली गई। मैंने सोचा कि चलो यार चले जाते हैं हवेली, पहले आपको टोलू मोलू दिखा देते हैं। टोलू मोलू तो पिछली वीडियो में आप देख ही लिया, चारे का कत्ल हो गया, लेकिन उसका कोई सोचते हैं यार, कातल का कोई सोचते हैं। मैं असल के मसरूफ बड़ा हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा है। तो टोलू जो है ना जी, ये अभी बचा हुआ है, इसको पानी भी देना, सारा सूख सूख गया है, ये आप देख सकते हैं, इसको पानी मैं दे लेता हूँ, तो उसके बाद जी चलते हैं घर। लाइट शर्ट आ जानी है, तो लाइट जब आएगी तो आपको फिर दिखाते हैं जो मैं ड्रेसिंग ड्रुसिंग ले के आया हूँ। लो जी, एक से आपा हो तो फिर आप देख लें, ये बाटल काल देख लें, पिछली वीडियो में आपने देखी थी, बिल्कुल फ्रेश बाटल हमें मिली थी, ये मैंने लगा के रखी हुई थी, लेकिन इस मज का ऊपर पैर आया है, हमारी बोतल के पिंगी हो गई है। अभी चले जी इससे पानी भर लेते हैं, तो टोलू को दे देते हैं पानी। पानी फटाफट भर ले, भर ले, भर ले, बरकत बरकत बरकत, टोलू जितना तो भरा जाएगा इसमें कि नहीं भरा जाएगा, मेरे ख्याल से बरकतेगा, भरा जाएगा जी। टोलू को लगाते हैं पानी शानी हम पूरी टिका के। अभी यार मैं सोच रहा हूँ, आपको पता ही है मेरी छुट्टी जो है कम है, तो पाकिस्तान में जो पानी कम हो गया और लेके आते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर होते हैं, ये बड़े लंबे होते हैं। अगर मैं मोलू के कातिल को पकड़वाने के चक्कर में लग गया तो इधर खासा टाइम मेरा बच जाना है, और मेरे पास सिर्फ हफ्ता है, और मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी मिलना है। तो इरादा है कि टोलू के साथ करते हैं मशवरा कि मोलू के कातिल को माफ कर दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। क्यों वैसे भी माफ करना जो है ना जी, अल्लाह ताला की भी सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भर लिया पानी, अभी बहुत ज्यादा होगा, चलिए मैं टोलू से पूछता हूँ, आपके सामने पूछता हूँ टोलू का क्या जवाब आता है। टोलू, अच्छा टोलू भाई यार एक बात तो बता यार, तुझे पता है मेरी छुट्टी के दिन कम ही रह गए हैं, तो जो मोलू है उसके कातिल का क्या किया जाए, उसको माफ ना कर दिया जाए? नहीं नहीं, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। सजा दिलानी है यार, देख ले मेरी छुट्टी कम है, मुझे जो है ना फिर लेट हो जानी है, मुझसे जाया नहीं जाना, फ्लैट भी मेरी रिफंडेबल,
फ्लैट है, मेरा वापस नहीं होने कोई भी पैसे टिकट के। मैं कहता हूँ माफ़ कर देते हैं यार मोलू, मेरा भी भाई था, तेरा तो भाई है लेकिन मेरा दुख है मुझे, मैं तुझे कहीं कोई और ले यार मोलू ला के दे दूँगा। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मिला ना 2-3-4 दिन में, जब तक मैं इधर, मैं तुझे कोई और मोलू ला के दे दूँगा। माफ़ कर देते हैं यार, माफ़ करना नबी पाक सल्लम की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है यार। आप ही बताओ मोलू यार, टोलू यार, माफ़ ना कर दे मोलू के कातिल को, बता यार क्या कहते हैं। अभी तूने अल्लाह और रसूल की बात कर दी है इसलिए जब मैंने माफ़ किया उसे। मेहरबानी यार, शुक्रिया तेरा, ये बड़ी अच्छी, तुझे बड़ा स्वाब होना है, इसे बड़ा स्वाब होना है, इसने माफ़ कर दिया ना टोलू को, मोलू के कातिल को, इसे बड़ा स्वाब होना है। चले जी, टोलू को माफ़ी कर दिया उसने, मोलू के कातिल को माफ़ कर दिया टोलू ने, अच्छी बात है यार। कोई गल नहीं, कातिल को शायद इसी बात पे उसे शर्म आ जाए, आइंदा वो किसी का कत्ल ना करे तो रहम आ जाए उसके दिल में कि उसे माफ़ी मिल गई है। तो बाकी हम चलते हैं फिर, घर लाइट आ जाती है मगरब की नमाज के बाद। आपको मैंने जो शॉपिंग करी है वो आपको दिखाता हूँ, और कल की रूटीन बतानी है आपको मैंने, कल क्या करना है, किधर जाना है, मैंने कल भी बड़े इंटरेस्टिंग सफ़र करने जाना है। तो घर शर्म आ गए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो मैं पैंट शर्ट लेके आया ना कल, जो मैंने शॉपिंग शॉपिंग की है। ये देख सकते हैं, एक शॉपर ये है, एक ये है, ट्रोज शर्ट है, ये सारे के सारे ना। हाँ यही है, मैं आपको ना इन्हें अलहदा अलहदा करके इधर बिछा के बेड पे दिखाता हूँ, टेंशन ना लें आप। ओके, टेंटन है, ये देख सकते हैं जी आप, सारे के सारे जो है ना जी, मैंने निकाल के बाहर रख ली है। असल में ये मैंने पैंट शर्ट पहले बोल दिया, ये पैंट शर्ट नहीं है, ये ट्रोज शर्ट है सारे के सारे। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन मैं ना 6 ट्रोज शर्ट ले गया। ये 2 ड्रेस सूट है, एक हाफ पाज वाला, एक फुल पाज वाला है। तो उसके अलावा ये जो है ना जी, ये 4 शर्टें हैं और ये वो 4 ट्रोज़र हैं। ये सारी ये पैंट शर्टें नहीं है, ट्रोज शर्ट है। तकरीबन दोनों भाई भाई लगते हैं ना, बहन भाई, इसलिए मेरे मुंह से पैंट शर्ट निकल गया। तो ख्याल में इन सब की कीमत क्या होगी, अंदाजा गैस कीजिएगा, क्या 10,000, 15,000, 20,000 क्या होगी। असल में आजकल बाजार में बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना है। ये भाई ये जो सारा सामान आया ना, बड़ा सस्ता सामान है। ये मैंने ट्रैक सूट धो लिए थे और एक ये ट्रोज़र लिया था उसके साथ, ये ब्लैक शर्ट, तो उसने मुझे बोला 72,000 रुपया दे, 7200 रुपया दे दो। मैंने उसको सिर्फ तकरीब नहीं 7400 रुपया उसने बनाया था, फिर 7600 रुपया बनाया था, 7600। मैंने उसको 6000 रुपया दे दिया। अली वाली महंगा है कि कम है, आप कमेंट में बताइए, ज़्यादा दिए हैं कि कम दिए हैं। उसके अलावा उसने 2 ट्रोज़र के 2 ट्रोज़र शर्ट और एक मैं 2 ट्रोज़र शर्ट लिए थे, ये ज़रा हल्के वाले थे, उस बंदे ने बनाया था 5400 रुपया बिल, मैंने उसको 3800 रुपया दिया। सही दाल लगाया उसने मुझे, या मैंने उसे, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। लेके जाऊँगा 6 के 6 ट्रोज़र शर्ट, उसके अलावा 5-6 मेरे पास सूट पड़े हुए हैं वो भी साथ ले जाएंगे, और भी 1-2 ट्रोज़र घर पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको भी ले जाएंगे पहनने के लिए रफ रुफ। तो ये सारा सामान था जी जो कल शॉपिंग शॉपिंग की है। अलावा जी कल जो है ना जी फ्राइडे है, फ्राइडे को जी मैंने जाना है एक दूसरे टूर पर, और यानी कि अपने मामू लोगों को मिलने के लिए बाहर जाना है ना, तो मामू लोगों को भी मिलना पड़ेगा ना, तो उनको मिलने के लिए जाना है। तो बड़ा मज़े का सफ़र होने वाला है, आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं है, व्लॉग देखना है कल वाला, तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे आपको कल नए व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्राम माई ट्रोज शर्ट्स।